हमारे यहाँ मीडिया टीम के वॉलंटियर्स आ गए हैं, ये आए हैं बघीरा को फ्रेंडली करने। तुम डर रहे हो कुणाल? नहीं नहीं, मैं तो खेल रहा हूँ। पीछे भरे हो तुम। बाय द वे, कल कमेंट्स में कोई कह रहा था अरे आपकी इतनी बड़ी मीडिया टीम है, रोज व्लॉग डाला करो। देखो एक कुणाल है, कुणाल 3D कर रहा है। अभिषेक की जान को मुसीबत, ये एक बेचारा व्लॉग एडिट करता है, साथ में इसको हमारा पीपल फार्म प्रोडक्ट्स का भी देखना होता है, वेनू एनिमल्स वगैरह की फुटेज लेता है, और वो ऋषिकेश तो 2D एनिमेशन पे। रस आए, चिकन आया। आई वंडर भोला को रस पसंद आएंगे या चूचू। बघीरा ये ले, आजा बड़ी ले मेरा बच्चा। अरे तू भौंक भी रहा है। बघीरा ले 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 बड़ी ले। अब हम देखेंगे अभिषेक का हाथ कितनी जल्दी ये पीछे कर पाता है। आहा, गुड बॉय। ए तुम ऐसे हुडी वुडी लगा के अगर मेरे कमरे में आओ मैं घबरा जाऊंगा। ये राइट हाथ है क्या तुम्हारा? लेफ्ट से कर लो, राइट ज्यादा चाहिए होता है तुम्हें। ये सारे जो जानवर आपको दिख रहे हैं ना, ये हमारे ह्यूमन एनिमल्स को छोड़ के ये सारे अप फॉर अडॉप्शन है। और राजा भी नहीं, बकरों का थोड़ा खतरा ही रहता है मुझे जब लोग अडॉप्ट करते हैं। हमारी श्रीलू और चिमटी, राजकुमार, आहट, अहिल्या, चूचू भी अप फॉर अडॉप्शन नहीं है। चूचू को गायब होने में देर नहीं लगेगी। चूचू एक जबरदस्त ट्रिक करता है। अरे लेकिन देखो भोला मुझे कैसे अभी भी धमका रहा है। मैं तेरे को पीछे शिफ्ट करा दूंगा, समझ आ रही है? सरकारी अफसरों का तबादला हो जाता है ना जब वो करप्ट मिनिस्टरों पे हाथ डालते हैं। हाँ जी ओके, आप दिखा रहे हो। जंप जंप। अरे एक सेकेंड, लेकिन ये तो मुझे थोड़ा फ्रॉड लग रहा है। अगर वो तो जंप बोलोगे जंप करता है या नहीं करता? ट्रीट दिखानी पड़ती है हर बारी। जंप धोखा धोखा। तो अभी ट्रेनिंग चल रही है, अभी थोड़े टाइम में एसोसिएट कर लेगा दोनों टर्म्स। अरे 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 तो वो ट्रीट के पीछे भाग रहा है, ट्रीट के पीछे कूद रहा है। ट्रेन नहीं हुआ अभी, ट्रेनिंग तो वो होती है ना, ट्रीट की मदद से सिखा दिया, उसके बाद जब जंप बोलो तो वो जंप करे। ये मैंने ट्राई नहीं किया बिना ट्रीट। सर्दियों में आती है फार्म पे जबरदस्त सब्जियां, तो आज तो मैं क्लियर सूप पी रहा हूँ। ये बाय द वे ये कुछ वाइल्ड ग्रीन्स हैं जो मैंने सुखाने के लिए रखे हैं। इसका मैं क्या करूंगा बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैंने अपना क्लियर सूप आज बनाया है सोलर कुकर में। तो अब मैं इसको खोलता हूँ, देखता हूँ कि ये पूरा बना नहीं बना कैसा है। किचन में लेके जाते हैं, वहाँ खोलते हैं। एक्साइटेड हूँ मैं, जैसे ब्रेड से अवन, जब जैसे अवन से ब्रेड निकलती है। जब आपने बस ये खोलना है ध्यान से ना, धुआं धुआं तो निकला नहीं, ऊपर सूप बन गया। इसमें मैंने डाली है बीन्स, बक चोय के पत्ते और गार्लिक और कुछ डिहाइड्रेटेड मशरूम्स। वो सब तो ऑफ कोर्स गल गया होगा, पर मैंने की मक्की गली है या नहीं गली नहीं, तो इसकी पूरी कुकिंग जो है अब वो गैस पे होगी। आज भाई स्पेशल आफ्टरनून है क्योंकि आज बघीरा खुला है। वो 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 ये सोच रहा है मैं इसको वॉक पे ले जा रहा हूँ, नहीं, सिर्फ ये है कि सबको, सारे एनिमल्स अंदर हैं, राजा और मीमी भी केनल में है, सारी गाय भोला भोला अंदर है, ताकि भाई साहब थोड़ा घूम सके। अब जब तक ये अडॉप्ट नहीं होता यही रहेगा रूटीन, मैं घूमने नहीं जा रहा भाई। ये देखो ये देखो ये देखो भालू का बच्चा, ये फेच तो खेलता नहीं वैसे है। देखा इसको, देखो देखो, नेहा सोच रही थी कि ये वो है दुखी और उदास, कोई दुखी उदास नहीं है, इसने दुखी कर रखा है। ये क्या है, तू टूथपेस्ट लेके पैदा हुआ था क्या मुंह में? हैं ठीक है इसे हम घूमने देते हैं, तू भाई मुझे डरा रहा है थोड़ा तो। और हमारी वो आई है मॉडरेटर एंजल। अभी मतलब मौसम ठंडा हो गया है लेकिन इसमें भी हाफ रहा है अभी। वही तो ही तो हम इसको लो लाइन जगहों पे अडॉप्ट नहीं करा रहे, उस पे लोग कर रहे हैं अरे आपको कोई अमीर बंदा चाहिए, और लोग कह रहे हैं एसी है। एसी कौन 24 घंटे ऑन रखता है? 24 घंटे ऑन, फिर एक डॉग को आप 24 घंटे एसी में बंद थोड़ा रखोगे, घुमाने बाहर नहीं लेके जाओगे? वो कह रहे हैं आप ले जाओ घुमाने मुझे। अब देखो जब से आया है रोज का मेरा 1.5 घंटा इसकी सेवा में जा रहा है, जो कि कुछ बड़ा बेहतर करने में जा सकता था। नॉट दैट कि इसको बचाना कोई कम चीज है, बट अगर उसी 1.5 घंटे में आप ज्यादा की मदद कर सकते हो और आप सिर्फ एक की कर रहे हो तो थोड़ा तो एथिकल डिलेमा है ना। तो अब बघीरा को लेकर तो मेरी यही रूटीन है, दोपहर में मैं इसको एक चक्कर जब तक ना लगवाऊं तब तक ये वापस केनल में जाता नहीं, पर डेफिनेटली अभी हैप्पियर है क्योंकि अभी दिन में 2-2 बार वॉक्स पे जा रहा है। ऑफ कोर्स आसपास बच्चे भी देख के इसको खुश है। हाय, इसका नाम क्या रखा सर? बघीरा। बघीरा, हेलो बघीरा। तो खाने पड़ते हैं? नहीं खाने नहीं पड़ता, पर फिर भी कोई वो नहीं चाहेगा ना कि अचानक बड़े सारे लोग उसके पास आ जाएं, घबरा सकता है। आई थिंक स्कूल में भाई अगर हम जैसे गाड़ियों वगैरह के बारे में बताते हैं, चाहे स्कूल वाले बताएं या पेरेंट्स बताएं, थोड़ा डॉग बिहेवियर भी
बताना चाहिए यार, क्योंकि भाई गली में डॉग्स तो होते ही हैं, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि हाउ टू अप्रोच डॉग्स, या उन्हें अप्रोच करें भी या ना करें, या डॉग अगर उन्हें अप्रोच करता है तो वो क्या करें। मैंने कहा था ना, जब भी मैं बाहर निकलता हूँ हमेशा कोई ना कोई एनिमल दिख जाता है। एक बार वो गाय दिखी थी, अब ये हमारे गांव में डॉग है, इसको चोट तो कहीं लगी हुई पर बहुत ही ज्यादा ये पतला है, तो कोशिश करता हूँ कि इसको मैं गाड़ी में ही ले जाऊँ हॉस्पिटल तक। अभी तो लंच ब्रेक है, मैंने टच किया है ना तो थोड़ा ये घबरा रही है, मुझे ये है कि ये भाग ना जाए। बाय द वे, जब तक मैं ज्योति की वेट कर रहा हूँ ना, तब तक मैं आपको बताऊँ, वो जो गाय थी ना जिसकी नाक से एकदम बहुत ज्यादा डिस्चार्ज था, तो जब साहिल वहाँ देखने गया था तो बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं था, वो ठीक थी, तो फिर उसको हम लाए ही नहीं थे। आज मैं कोई ट्रीट व्रीट भी लेके निकला नहीं हूँ, तो लेकिन सामने दीदी हैं, वो फुल्का दे रही हैं। डाल दे, बाइट बाइट करके डाल दे। अब मैं टच कर रहा हूँ ना इसको, तो ये अनकंफर्टेबल हो रही है, रोटी भी खा नहीं रही। तो बस यही है कि ज्योति आए, केज ले आए, फिर इसको हम सीधा केज में ट्रांसफर कर देंगे पकड़ के। आप लोग कुछ भी लाए नहीं फिर? सर वीक डॉग है। हमारी टीम अभी हॉस्पिटल से नहीं आई ना, तो हम बिना तैयारी के बस घर से ही आ गए हैं। ठीक है, तो ये स्कूटी पे चली जाएगी या गाड़ी में छोड़ें? जगह है हमारे पास, ओके फाइनली डन। मुझे मैक्लोड में बड़ी सही चीज दिखी अभी, किसी ने डॉग फूड डिस्पेंसर बना रखा है। मैंने ये वैसे तो सोशल मीडिया पे देखा है, रियल लाइफ में पहली बार देखा है, बट ऑल्दो यहाँ पे लिखा है ओनली डॉग फूड, इसमें थोड़ा सा कचरा कुचरा किसी ने डाल दिया है। अब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो वो लेके आऊंगा अपने साथ में ड्राई डॉग फूड, और इसको भर दूंगा। ये जो क्रेप पैनकेक्स वाली जगह है ना, ये तो बन गई है मेरी फेवरेट। वैसे भी आज हमने इनको वो देनी थी जो हमारे फार्म पे डाले मिर्ची हम उगाते हैं। तो यहाँ पे ना मेरे पीछे बैठी है कैरोलाइन। कैरोलाइन है USA। कैरोलाइन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर इन इंडिया? इन इंडिया आई हैव बीन कमिंग हियर 22 इयर्स। 22 साल से यहाँ पे हैं, और ये यहाँ के मैक्लोडगंज के स्ट्रीट डॉग्स का बहुत ध्यान रखती है। उनके लिए जितनी ये मुसीबत में पड़ी हो तो क्या भूल ही जाओ। फिलहाल ये अपने 3 डॉग्स के साथ हैं यहाँ पे। एक तो ये लूना, इनका बॉडीगार्ड, राइट? यस। फिर एक बैठी नीचे, वो तो दिख नहीं रही, वॉयलेट। यस, शी इज वेरी शाय, वायलेट। और मैं इसका नाम भूल गया, शीबा, लाइक क्वीन ऑफ शीबा। और ये बैठी शीबा। जो एक बात मेरे को लगी ना एकदम कि भाई इनके कुत्ते जो हैं ऐसे वेल बिहेव्ड हैं, मैं तो देखा हूँ बड़े सारे लोगों के बच्चे भी ऐसे वेल बिहेव नहीं होते। एयरलाइन, यू लर्नड एनी हिंदी? मैं थोड़ा हिंदी बोल सकती हूँ। Oh, nice. That's a good start. अगर आपने कैरोलाइन को सपोर्ट करना है ना, ये इंस्टाग्राम पे है @dogsquadindia dogsquadindia, हम नीचे टेक्स्ट में दे देंगे। बहुत धन्यवाद।